इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092। नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो विषायाणम, नमो लोये सौवसावणम, एसो पंच नमो यारो सौव पाव पैणासनो मंगलाणम च सुब्बे सिम प्रणमम हवै मंगलम। बोले महावीर भगवान की, परम पूजा चाचा श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूजा चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजा चाचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजा सुनील सागर जी महाराज की। तो आज के मंगल क्षण तीन लोक के नाथ तीर्थंकर महावीर प्रभु, उनका पवित्र शासन, उनकी पवित्र वाणी, उसमें जीने वाले हम सब लोग, पिछले इतने सालों से देख रहा हूं मैं कि जितना बड़ा शहर होता है उतनी ही कम युवा लोग उसके अंदर जुड़ पाते हैं। और धीमे धीमे जैसे जैसे समय बढ़ते चले जा रहा है, अब दादाजी लोग बैठे हुए हैं, आपकी 60-60 साल के, 70-70 साल के दादाजी दादी लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछो कि इनके जमाने में आज से 50 साल पहले, आज से 40 साल पहले, आज से 60-70 साल पहले मंदिरों के अंदर कितने सारे युवाओं की भीड़ लगी रहती थी। और अब ऐसा क्या हो गया कि धीमे 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 वो लोग कम 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 होते चले जा रहे हैं। और पहली बात तो युवा की परिभाषा क्या है, युवा की परिभाषा क्या है? क्या 15-20 साल वाले को युवा बोलेंगे, या वो 20-25 साल या 25-30 साल की उम्र वाले को युवा बोलेंगे, या वो 30-35 साल वाले की जिसकी उम्र है उसको युवा बोलेंगे, कि वो 40-45 साल की उम्र उसको युवा बोलेंगे? नेता तो हमेशा ही युवा होता है, नेता तो हमेशा ही 60 साल का तो युवा होता है। पुलिस का जवान उसको जवान बोलते हैं, 60 साल का हो गया है, महीने बाद रिटायरमेंट होने वाला है, पर क्या बोलते हैं उसको, बोलते जवान, पुलिस का जवान, है ना। तो मतलब कोई अपने आप को बूढ़ा मानने को तैयार है ही नहीं। जो 60 साल के हो जाते हैं, जो 60 साल के हो जाते हैं वो बाल काले कर लेते हैं, युवाओं जैसे कपड़े पहनते हैं, शरीर भी बूढ़ा होते चले जा रहा है, लेकिन मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं तो जवानी की उम्र में से कपड़े पहने जाते थे, जिस तरह की सोच होती थी, जैसे सपने, जैसे अरमान होते थे, नाम कमाने की, पैसा कमाने की जो इच्छा, अदम्य इच्छा हुआ करती थी, ठीक है, नहीं आगे आने का जो रुतबा है ना, वो सब आज भी वैसे का वैसा चाहिए। यही वजह है कई सारे बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो बड़ा तनाव का जीवन जीते हैं, बड़ा बेचारे दुख का जीवन जीते हैं। जब युवा थे, जब उनकी 40 साल की उम्र थी, जब उनकी 40 साल की उम्र थी, तो उस समय उस 40 साल की उम्र के अंदर जब उनका बेटा नया नया पैदा हुआ था, जब उनका बच्चा छोटा था, जब उनकी औलादें उनकी छोटी थी, तो जब वो 40-45 साल के जब थे तो घर में ज्ञान का रुतबा चलता था। अब 60 साल में वो यही चाहते हैं, अब जब उनकी उम्र 60 साल की हो गई है, जब उनका बेटा 20 साल का हो गया, वो चाहते हैं कि मेरे हिसाब से चले, मैं अपनी 20 साल की, 15 साल की, 10 साल की उम्र में जितना रिस्पेक्ट, जितना सम्मान अपने बड़े लोगों का करता था, जितना धर्म ध्यान पूजा पाठ करता था, वो ये भी करें, ऐसा ये जीवन जिए ये। और चूंकि जनरेशन गैप, चूंकि साइंस इतना आगे बढ़ गया है, बच्चों के हाथ में बचपन से मोबाइल आ गए हैं, जो बातें आज के जमाने में शादी के बाद में जो अनुभव होते हैं, वो सारे अनुभव बच्चों को 9वीं-10वीं क्लास से हो जाते हैं, पढ़ पढ़ के, सुन सुन करके, या खुद की व्यक्तिगत अनुभव अपने इकट्ठे कर लेते, भोग विलास के अनुभव अपने उसमें इकट्ठे कर लेते हैं। एक जमाना वो भी था कि लड़के लड़के दोस्ती करते थे, लड़की लड़की दोस्ती किया करती थी, लेकिन अब समय आगे बढ़ते चले जा रहा है, अब तो लड़के लड़की आपस में, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, को एजुकेशन, है ना, वो एक साथ पढ़ते हैं, अब तो लड़के लड़की एक दूसरे घर में मिलने चले जा रहे हैं, कॉमन सा है, सामान्य रूप से सामान्य बात हो गई। ट्यूशन में देखे लड़के लड़की साथ में पढ़ते ही है, स्कूल में साथ में पढ़ते ही है, और वो घरों में भी दूसरे मिलने चले जाते हैं, वो
लड़के के माँ बाप को भी मालूम है, लड़की के माँ बाप को मालूम है, उनकी मौजूदगी के अंदर उनके सामने वो बराबर बिल्कुल वो रेखाएं सारी मिटती चले जा रही हैं, और सरकारें भी अब नियम बदलते चले जा रही हैं, कई सारे कानून में संशोधन जो हो रहे हैं, जैसे कुछ पिछले दिनों कानून आया था कि गर्भपात का वैधानिक रूप से अधिकार दे दिया गया, गर्भपात कराया किसी ने, चाहे वो लड़की शादीशुदा हो या वो कुंवारी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे अगर उसकी इच्छा है वो गर्भपात करा सकती है, ये बहुत बड़ा स्टेप है इस भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के इस इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये। कल तक जिसको इलीगल माना जाता था, जिसे नाजायज माना जाता था, जिन चीजों को अपराध माना जाता था, आप कानून ने सरकार ने उस पर ठप्पा लगा दिया। जैसे हिजाब है ना, उधर विदेशों के अंदर अरे बाप रे क्या आंदोलन हो रहे, क्या जुलूस निकल रहे, क्या प्रदर्शन हो रहे हैं। लड़कियां कहती हैं हम तो खुले सिर घूमेंगे, हम तो सिर पे पल्लू नहीं रखेंगे, हम तो वो सिर पे कपड़ा नहीं बांधेंगे, हम तो बाल कटाएंगे, ऐसे लंबे बाल हमको नहीं जमते। उधर जो पुरानी पीढ़ी बड़ा भयंकर विरोध कर रही है, फिर दमन हो रहे हैं और फिर आतंक हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, बड़ी बड़ी सारी घटना घटते चले जा रही है। मुझे आज भी याद है ऐसे 25 साल पहले 27 साल पहले जब मैंने ग्रस्त अवस्था का मैंने त्याग किया था, तो मुंशी तरुण साहब जी महाराज एक प्रवचन दिया करते थे कि मंदिर बूढ़े होते चले जा रहे हैं, जिन मंदिर के अंदर बूढ़े लोग ही आते हैं, जवान लोग नहीं आते, मंदिर बूढ़े हो जाते हैं। आज धर्म ने एक कशिश आकर्षण खत्म कर दिया है, युवाओं को जोड़ने का जो एक तरीका और शैली जो हुआ करती थी, तो वो सारी धीमे 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 खत्म होती चले जा रही है। अब तो पूजाओं में बदलाव आए हैं, पुराने जमाने के संगीतकारों को देखिए, जो पंच कल्याणक जो विधान वगैरह हुआ करते थे, तो उस जमाने में क्या हुआ करता था कि जो संगीतकार जो भजन गाता था, जो भक्ति नृत्य होते थे, वो रंगमा रंगमा रंग गयो रे, प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। और अब क्या आप चेंज आया है, अब संगीतकार जो संगीत करने आता है तो दादाजी लोग बैठे होते हैं, 60 साल के 70 साल के 80 साल के दादाजी लोग बैठे हुए होते हैं। संगीतकार कैसे भजन गाता है, पिक्चर के गानों की धुन पर, नए नए पिक्चर के गानों की धुन पर नए नए भजन बनाए जाते हैं, उस तर्ज पर वो दादाजी लोग भी नाच रहे होते हैं, पोते पोती भी उनके साथ में नाच रहे होते हैं। जमाना किस तरह से बदलता चले जा रहा है। तो तरुण सा महाराज जब ऐसा बोलते थे कि युवाओं को धर्म से जुड़ना चाहिए, तो कई सारे लोग उनको इसी तिरछी नजरों से देखते थे, ये साधु क्यों ऐसा बोल रहा है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज दुनिया जानती है, जब उन्होंने 50 साल पहले दीक्षा ली थी तो बड़ा भारी विरोध हुआ था, क्यों, अरे जवान छोकरा है, बिगड़ गया तो ना कटा दी तो है, अरे मोक्ष का मार्ग है, तलवार की धार है ये। फिर वो तो आज भी है कि युवा का दीक्षा लेना चाहता है, इवन ब्रह्मचर्य लेना चाहता, ब्रह्मचर्य नहीं, कोई युवा अगर अभिषेक पूजा में भी आ जाए लोग उसको यूं देखते हैं, क्या बात है, अभी तेरी कोई उम्र है क्या पूजा अभिषेक में आने की, ये दादाजी लोग काम है। अब जो बच्चे बचपन में मंदिर में पूजा अभिषेक आहार दान में नहीं प्रवचन नहीं आ पाते हैं, वो जवानी की उम्र में भी नहीं आ पाते हैं, वो जवानी की उम्र में नहीं आ पाते हैं, वो बुढ़ापे में भी नहीं आ पाते हैं। मैं तो ऐसे कई सारे बुजुर्गों को जानता हूँ मैं, 60 साल हुए, रिटायरमेंट हुए, बेचारे बड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं, रिटायरमेंट हुआ, अब नई नौकरी लगनी रही है, अब बेटे बेटे दुखी हो रहे हैं, है किसी की तो मजबूरी होती है, रिटायरमेंट हुआ तो पेंशन मिलती नहीं है, तो फिर वो गुजारा कैसे चले, खाए पिए क्या, तो किसकी तो मजबूरी भी होती है, विवशता होती है कि आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं, इतने पावरफुल नहीं है, एक नौकरी छूट गई, अब पेंशन मिल नहीं रही है, और जब तक नौकरी करी तब तक इतना मोटा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए कि बाद में कभी वो पैसा रिटायरमेंट के बाद में काम में पैसा आएगा। बुजुर्ग हुए, दादाजी कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, आखिरी दम तक मरते सांस तक बिजनेस करते रहते हैं। अब तो चीन का प्रधानमंत्री जिनपिंग हो या उधर रूस का प्रधानमंत्री पुतिन हो, कोई चाहता ही नहीं है कि कुर्सी से हटा जाए, निकला जाए,
नयों को मौका दिया जाए। ये काले और सफेद बाल की लड़ाई हमेशा से चलती रही है, काले बाल सफेद बाल हमेशा संघर्ष होते रहा है। काले बाल वाले बोलते हैं तुम हटो हमको आगे आने दो, सफेद बाल वाले बोलते हैं तुम हटो हमको आगे आने दो। कुल मिला के अहंकार का सारा खेल चल रहा होता है। कभी ये अब इस काले बाल सफेद बाल के बजाय अगर मैं एक अलग नया शब्द उपयोग करूं, जूनियर और सीनियर, धर्म में भी ऐसा ही होता है। हाँ, वो अमुक आचार्य बड़े तपस्वी बड़े त्यागी आचार्य, बड़ा गजब का उनका ध्यान है और ज्ञान है, अब बुजुर्ग हो गए हैं, वो आज तक अपने शिष्यों को आचार्य नहीं बना रहे हैं, आचार्य पद नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? उनने खूब भोगा है, छोटी उम्र में दीक्षा ली लोगों ने खूब, इतना छोटा युवा आचार्य, अरे आचार्य को युवा होता क्या? आचार्य को तो बूढ़ा होना चाहिए, बूढ़ा युवा मुनि, युवा आचार्य है ना, युवा पंडित, युवा विद्वान, युवा पुजारी, युवा अध्यक्ष, बड़ा लोगों को ऐसा परहेज होता, युवा नाम से बेचारे उनकी क्या बोलते खून खोल जाता है, उनकी जान निकल जाती है, युवा शब्द दिमाग में आता है उठ के भाग जाते हैं, उठ के खड़े होके भाग जाते हैं, मतलब युवा क्या होता है ये? अरे सफेद बाल वाले एक्सपीरियंस होल्डर, मैच्योर है ना, परिपक्व बुद्धि के लोग, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे धर्म अध्यात्म हो, दीक्षा लेने की बात हो, अरे नई पिच्छी भी पुराने लोगों को ही देना चाहिए, मतलब दीक्षा। एक आचार्य तो ऐसे भी थे शायद, मैं समझता हूँ शायद, नाम मुझे कम ध्यान में आ रहा है, 60 साल की उम्र का नहीं हुए तब तक मुनि उसे बनाते ही नहीं थे। तो उन मुनि ने, उन आचार्य ने, उन मुनि ने इतना इतना सुना है जवानी की उम्र में, अब वो ये नहीं चाहते कि वो मेरे शिष्यों को इतना कुछ सुनना पड़े, इसलिए वो थोड़ा सा। अब आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव, उन्होंने आचार्य सुनील सागर गुरुदेव को अपना पट्ट शिष्य बनाया, अपना मुख्य आचार्य बनाया, पट्ट शिष्य अपना पट्ट उनको प्रदान किया। अब ये जो आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज थे, इनसे पुराने भी आचार्य थे, कोई इनसे 5 साल पुराना, कोई 10 साल पुराना, शायद कोई 15-20 साल पुराना आचार्य भी होगा। तो ये जूनियर सीनियर का बड़ा भारी झगड़ा और बड़ा लफड़ा होता है। बताओ कि मैं जूनियर के आगे झुक कैसे जाऊं, उसके अपने से बड़ा कैसे मान लूं मैं, बताओ आप। ये गर्दन झुकती नहीं है, ये नाक झुकने नहीं देती है। कई सारे बेरा सोता तुम हटो मुझे आगे आने दो, भाई तुम क्यों आगे आओगे, मैं सीनियर हूं, मेरा एक्सपीरियंस मेरा ज्यादा है। कई ऑफिसों में मैंने देखा है, मुझे खबर मिलती है कि वो जूनियर था तो प्रमोशन बन गया और जूनियर बॉस बन के बैठ गया, अब सीनियर से सीनियर वो बॉस बन के बैठा है, अब बॉस की बात तो कर्मचारी को माननी पड़ेगी लेकिन नहीं मानता है। अरे हम एक साथ तो थे, मैं इससे ज्यादा सीनियर था लेकिन इसने कुछ ऐसा किया कुछ वैसा किया और आज मेरा बाप बन गया, मेरे सिर पर कोबर बैठ गया, अब पंगे चलते हैं, कंपनी बंद हो जाती है, फैक्ट्री बंद हो जाती है। राजनीति में भी ऐसे ही होता, बताओ अशोक गहलोत सचिन पायलट को कहां स्वीकार कर पा रहा है, केवल उम्र की वजह स्वीकार नहीं किया जाता है, कभी एक्सपीरियंस का हवाला दिया जाता है कि हमारा ज्यादा अनुभव है इसलिए हमको आगे रखना चाहिए, इसलिए हमको आगे कर दिया जाना चाहिए, कभी पैसे का हवाला दिया जाता है। कई सारी संस्थाओं के अंदर जब कोई मुख्य पद पर बैठने की बात होती है तो फिर उसमें ऐसा होता है कि भाई हम ज्यादा पैसे वाले हैं, हम ज्यादा डोनेशन देने वाले हैं तो हमको मुख्य पद पर बैठाया जाए, वो जो दूसरा है जो कम डोनेशन दे रहा है, या डोनेशन देने के लिए पैसा ही नहीं उसके पास में, खर्चा करने के लिए पैसा ही नहीं इसके पास में, छोटा मकान है, छोटी दुकान है, छोटा सा बिजनेस है, छोटी सी नौकरी है, नहीं हटाओ उसको मुझे लाओ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, मैं मेरा बहुत बड़ा बंगला है, मेरा बहुत बड़ा हमारा शोरूम, मेरा शॉप चल रहा है। तो कुल मिला के बात इतनी सी होती है कि बस वो जूनियर सीनियर का डिसीजन एक बड़ा भारी वो विवाद का विषय हो जाया करता है, जब वो आध्यात्मिक
क्षेत्र की बात कर लें, धार्मिक क्षेत्र की बात कर लें, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात कर लें, चाहे परिवार की बात कर लें। अब दादाजी उस कमाते तो है नहीं, अब बेटे के हाथ में बिजनेस आ गया है, पोते के हाथ में बिजनेस आ गया है, अब बेटा पोता बिजनेस कर रहे होते हैं, उनके हाथ में पैसा, उनके हाथ में पावर होती है, अब दादाजी को आवश्यकता भी होती है, तो बेटे पोते के पास में जाके हाथ नहीं फैलाते हैं। अरे वाह, मैं कैसे हाथ फैला लूं, मैं कैसे उससे मांग लूं। मैं आप उम्र का तकाजा देखिए, कुछ नहीं है आपके पास में, उसके पास में सब कुछ है। सिंपल बोलना ही तो है, कौन सी मक्खनबाजी करनी है, कौन से हाथ जोड़ना है, कौन से पेट पड़ना है। लेकिन जिंदगी भर तक वो जो गर्दन यूं रही, वो गर्दन अब यूं नहीं हो पा रही है। चेक करिए, सोचिए आप कितना इसको बोलते हैं संस्कारों का ट्रांसफर करना, पावर ऑफ पावर पटारनी किसी और को दे देना। अरे कई बार तो जो हम उम्र के लोग होते हैं, एक जैसी उम्र है, एक जैसा पैसा है, एक जैसा एक्सपीरियंस है, एक जैसे जीवन के अनुभव है, उसके अंदर भी खींचा खाची और तनातनी होती है। ठीक है, उम्र थोड़ी सी कम ज्यादा है तो फिर तो क्यों भाई, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं ज्यादा सीनियर हूँ, मुझे ज्यादा अनुभव है, मेरे पास ज्यादा पैसा है, तो मुझे ज्यादा आगे रखा जाना चाहिए, मुझे ज्यादा ऊंची कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन जहाँ समान लोग होते हैं, उम्र भी समान है, पैसा भी समान है, अनुभव भी समान है, वहां पर भी तनातनी होती है। ये तो सब फालतू की बहाने की बातें हैं, जैसे बीस पंथी परंपरा है, ये लोग बीस पंथी परंपरा, एक दादाजी आए मैंने बीस पंथी परंपरा का मैं कट्टर समर्थक हूं, लेकिन क्या लेकिन क्या लेकिन, बोले बीस पंथी परंपरा में स्त्री अभिषेक करती है, लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि वो जो बूढ़ी महिलाएं हैं जो शुद्धि से नहीं होती, 50-60 साल की उम्र के आसपास है ना, तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। क्यों भी, जवान को क्यों नहीं, बूढ़ों को क्यों? वजह सिर्फ एक है, मुझे किसी और को आगे नहीं होने देना है, सीधी सी बात है। अब जो आगे हो रहा है उसको पढ़ के पीछे खींचना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092।